तो दोस्तों मैनकाइंड फार्मा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2052 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2189 करोड़, मतलब 80 करोड़ आप बोल सकते हैं। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू देखें तो बढ़ के 2578 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू का एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर का कंपनी रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 25% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं वो क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1725 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1818 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे मात्र 2017 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे बहुत हद तक कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 293 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल 297 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 494 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक भयंकर तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास का जंप है साल दर साल। वहीं क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर में। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 7 रुपये का EPS था, पिछले साल 7 रुपये 30 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 12 रुपये 15 पैसे के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार है, हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी से तेजी शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।